टीकमगढ़ विधानसभा के बड़ा गांव धसान क्षेत्र में अतिवृष्टि एवं भारी बारिश से किसानों की फसलें नष्ट होने पर भाजपा सरकार के खिलाफ सभा और रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। टीकमगढ़ कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक चंद्रका प्रसाद द्विवेदी के साथ मिलकर आज बड़ा गांव तहसील में भाजपा सरकार के खिलाफ सभा और रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। यादवेंद्र सिंह द्वारा किसानों को मुआवजा दिए जाने की मांग की। कांग्रेस कमेटी टीकमगढ़ छतरपुर जिले के पर्यवेक्षक चंद्रिका प्रसाद के नेतृत्व में बड़ा गांव तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। पार्टी द्वारा आज जो ज्ञापन किया गया है, किन मांगों को लेकर ज्ञापन किया गया है? ऐसा है कि आप देख रहे हैं कि पिछले 10-15 दिन से लगातार अतिवृष्टि हो रही है। जब पानी की जरूरत थी तब पानी नहीं बरसा और जब पानी की जरूरत हुई तब पानी बरसा। किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। आज हमारे प्रभारी श्री चंद्रिका प्रसाद जी आए थे और हम लोगों ने किसानों की तरफ से एक ज्ञापन दिया है कि तत्काल जो है मुआवजा देने की घोषणा करें। सरकार अभी तक कोई घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं हुई, तो तत्काल घोषणा करें और किसानों को सर्वे कराएं। सर्वे वैसे तो 80% से ऊपर नुकसान हुआ है, ये जो है रिपोर्ट उन पर पहुँच गई है, उन्हें मुआवजे की घोषणा। आगे कांग्रेस से क्या रणनीति रहेगी आने के लिए? कांग्रेस करेगी आंदोलन, तो पता तो है कांग्रेस का आंदोलन हुआ है बहुत दिया है। किन मांगों को लेकर ज्ञापन हुआ है आपका? ये लगातार कम से कम 10-15 दिन से वर्षा हो रही है, किसानों की खरीफ फसल तो खराब हुई थी, इस बरसात से जो किसानों की रबी फसल उसको भी खराब होने का पूरा अंदेशा है। और जिस तरीके से हमारे जिले का किसान परेशान है, ओलावृष्टि हुई पहले, पानी गिरा, इन तमाम मुद्दों को लेके हमने एक बैठक की है और जिन जिन किसानों का नुकसान हुआ सरकार से मांग की है इसको समय सीमा के अंदर इसका सर्वे कराया जाए और जो मुआवजा है उचित मुआवजा दिया जाए। अगर इन बातों को शासन पूरा नहीं करता है तो ये भी हमने आज ज्ञापन में लिखा है कि हम एक विशाल आंदोलन करेंगे और अगर हमें किसानों का जो नुकसान हुआ है भरपाई नहीं हो पा रही है तो इसके संबंध में अनशन भी करेंगे और आंदोलन भी करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।